हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बनाने वाले हैं बिना अंडे और बिना ओवन के बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही इजी तरीके से चॉकलेट केक। आज का केक हम बनाएंगे कुकर में, जो कि ओवन से बहुत ही जल्दी समय में बन जाता है और बिल्कुल ओवन की तरह सॉफ्ट और मुलायम बनता है। आप सबको पता ही है कि हम इंडियंस कितने जुगाड़ू होते हैं, तो केक कुकर में बनाना भी एक हमारा जुगाड़ है। कुकर को आप हमारी किचन की दिल कहें, जान कहें, धड़कन कहें, कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि कुकर एक मल्टीपर्पज़ आइटम है हमारे किचन में। ओवन में मैंने काफ़ी बार केक ट्राई किया और देखिए मेरा रिज़ल्ट बहुत ही बेकार रहा है, तो इस बार मैंने सोचा क्यों ना कुकर में केक बनाया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं 5 लीटर का कुकर, जिसके अंदर हमने नमक डाल लिया है और इसके अंदर आप स्टैंड डाल सकते हैं। मेरा स्टैंड थोड़ा बड़ा है, इसके अंदर फिट नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आटा छानने वाली एक छन्नी ले ली है। आप चाहें तो कोई कटोरी भी रख सकते हैं जिसके ऊपर हम अपनी बेकिंग ट्रे रखेंगे। आप उतना ही बड़ा कुकर लें जिसमें आपका बेकिंग ट्रे अच्छी तरीके से आ सके। वो हमने यहाँ पे केक का मॉड लिया है, वो हमने यहाँ पे एल्युमिनियम का लिया है, तो इसको हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। तो ग्रीस करने के लिए हमने यहाँ पे एक पेपर कटिंग में ऑयल लगा लेंगे। आप चाहे तो बटर पेपर का यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे नॉर्मल पेपर को कटिंग कर लिया है और इसको अच्छी तरीके से ग्रीस कर लिया है। और बर्तन के चारों तरफ भी अच्छे से हम तेल लगा लेंगे और इसको अच्छी तरीके से ग्रीस कर देंगे। तो सबसे पहले हमने एक छन्नी ले ली है और उसमें हम अपनी सूखी सामग्री, जो भी हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट है, वो ले लेंगे। तो हमने यहाँ पे लिया है 1 बड़ा कप मैदा और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर हम बेकिंग सोडा से ज़्यादा लेंगे। तो और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। एक परफेक्ट केक के लिए मेजरमेंट बिल्कुल सही होना चाहिए। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 4 टेबल स्पून कोको पाउडर, मतलब 1/4 कप कोको पाउडर। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप पाउडर शुगर। अगर आपके पास पाउडर शुगर ना हो तो आप घर पे मिक्सी में चीनी को पीस के उसको अच्छे से छान के उसका पाउडर शुगर बना सकते हैं। तो अब इन सबको हम अच्छे से छन्नी में छान लेंगे। कुकर में केक बनाते समय अक्सर लोग बहुत डर जाते हैं कि अरे बिना तेज पानी के बना रहे हैं तो कहीं कुकर हमारा फट ना जाए। तो जब भी हम केक बेक करेंगे तो हम उसमें सीटी नहीं लगाएंगे, इसलिए हमारा कुकर फटेगा नहीं और केक हमारा अच्छी तरीके से बनेगा। और ये प्रोसेस बहुत ही ईजी है और बहुत ही सेफ प्रोसेस है, इसमें कोई डर नहीं है। तो देखिए हमारा यहाँ पर मिक्सर सारा छान चुका है। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1/2 टीस्पून नमक और इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। देखिए अब हमने सबसे छान लिया है, तो अब इसको हम एक बार अच्छे से और मिक्स कर लेंगे और मिश्रण को हम रेडी करके अलग से रख देंगे और फिर हम अपना दूसरा मिश्रण रेडी करेंगे। अब हम यहाँ पे ले रहे हैं 3 टेबल स्पून ऑयल और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून दही। तो जो भी हम इसमें सामग्री यूज़ कर रहे हैं वो सारा हमारा रूम टेम्परेचर में होना चाहिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस और अब हम इसमें ऐड करेंगे दूध। तो दूध हमने यहाँ पे ले लिया है 1/2 कप, तो अभी हम थोड़ा सा ऐड करेंगे, फिर जब हम बैटर रेडी करेंगे तो उसमें फिर जो बचा हुआ दूध है हम उसमें ऐड करेंगे और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो दोनों मिक्सचर अब हमारे रेडी हो चुके हैं, तो अब हम इसको एक साथ मिक्स कर लेंगे। अब इस सब का हमें अच्छा सा एक मिश्रण तैयार कर लेना है। आप चाहें तो इसमें हैंड मिक्सर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब हम ये दोनों मिक्सर मिक्स करेंगे तो उससे पहले हमने कुकर को प्री हीट होने के लिए रख देना है। फुल आंच पे हम उसे 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लेंगे। बैटर हमारा अच्छी तरीके से रेडी हो चुका है, तो अब हम इसमें लास्ट में ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून विनेगर। विनेगर केक को ज़्यादा एसिडिक बना देता है और जिस टाइम हम केक को बेक करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है कि केक में जो फ्लफीनेस होती है वो बढ़ जाती है और केक बहुत ही मॉइस्ट हो जाता है। तो लास्ट में विनेगर डालना बिल्कुल ना भूलें। तो अब हमारा बैटर रेडी हो चुका है, तो अब इसे हम ट्रे में डाल लेंगे। अब किसी चम्मच की हेल्प से इसके सरफेस को प्लेन कर लेंगे और बैटर में अगर हमारा एयर बबल हो गए हो तो आप इसे एक दो बार टैप कर लें। अब ट्रे को हम कुकर में रखेंगे, तो कुकर हमारा गर्म है इसलिए हमें बिल्कुल सावधानी से इसे इसके अंदर प्लेस करना है। केक को हमने कुकर में लगभग 40 मिनट के लिए बेक करना है और ध्यान रहे कि कुकर के ढक्कन से हमें सीटी निकाल लेनी है। गैस हमारी जो है वो मीडियम आंच पे रहेगी। 40 मिनट हमने बेक करना है, तो उसमें से हम 30 मिनट तो मीडियम आंच पे और 10 मिनट हम उसे लो फ्लेम में बेक करेंगे। उससे क्या होता है केक और भी ज़्यादा सॉफ्ट हमारा बनता है। केक को पकते हुए लगभग 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम गैस ऑफ कर देंगे और केक को हम 10 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे, फिर बाद में चेक करेंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम कुकर का ढक्कन खोल लेंगे और अपना केक चेक कर लेंगे। देखिए केक हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब एक टूथपिक की हेल्प से हम इसमें देखेंगे कि हमारा केक कहीं गीला तो नहीं है।
और अगर आपको केक थोड़ा गीला लगे तो आप इसे थोड़ी देर और बेक कर सकते हैं। तो देखिए हमारा केक यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुका है, बिल्कुल भी टूथपिक पे कहीं से भी चिपक नहीं रहा है, तो केक बिल्कुल रेडी है। और इसको अब हम कुकर से निकाल लेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए बाहर ठंडा होने के लिए रख देंगे। केक को पूरी तरीके से ठंडा होने दें, जब केक पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा तभी हम उसकी आइसिंग करना चाहें या कुछ चॉकलेट से उसका डेकोरेशन करना चाहें या उसकी कटिंग करना चाहें तभी करें। तो देखिए केक हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है, तो अब इसके हम चारों तरफ से चाकू से इसे अलग कर लेंगे और केक को हम इसके बर्तन से अलग कर लेंगे। तो देखिए केक हमारा बिल्कुल आसानी से निकल गया है, अब उसके जो पेपर लगा है इस पेपर को भी हम अलग कर लेंगे। तो देखिए बिल्कुल भी हमारा कहीं चिपका नहीं और बिल्कुल सॉफ्ट और बहुत ही स्पंजी हमारा केक तैयार हो रहा है। तो केक हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, आप अपनी मनपसंद जो भी डेकोरेशन करना चाहें वो कर सकते हैं। तो मैं इसमें नॉर्मल चॉकलेट सिरप से डेकोरेशन करूंगी, जिसके लिए मैं केक को दो स्लाइस में काट ले रही हूँ। तो काटने के लिए मैंने यहाँ पे धागा ले लिया है और इसको ऐसे कस के हम काट लेंगे, इससे हमारा केक बिल्कुल आसानी से कट जाएगा और दोनों स्लाइस हमें बराबर मिलेंगे। अब नीचे वाली स्लाइस के ऊपर मैंने चॉकलेट स्प्रेड कर ली है और इसके ऊपर हम दूसरी वाली स्लाइस रखेंगे और उसके ऊपर भी हम चॉकलेट डाल लेंगे। चॉकलेट सिरप के ऊपर मैंने थोड़ा सा चॉकलेट को कस लिया है तो वो उसके ऊपर डाल रही हूँ। तो आप चाहें आप कैसे भी अपना केक डेकोरेट कर सकते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पे केक कितना सुंदर दिख रहा है। अगर आप बच्चों के लिए रेडी करना चाहते हैं तो आप इसमें रंग बिरंगे जैम्स भी लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसमें जैम्स लगा लिया है जो कि मेरी बेटी को बहुत ही पसंद है। तो दोस्तों आपको मेरी ये केक की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, एंड वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। थैंक यू।